पवन राम केवलम, चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी के बारे में क्या कर रहा है, पहले निफ्टी पे जाते हैं, निफ्टी पे देखते हैं क्या हुआ है। वन डे के कैंडल पे जाते हैं, वन डे के कैंडल पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। बड़े ध्यान से देखिएगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। जैसा हमने प्लान किया था उस हिसाब से ये चल रहा है, तो हम लोग इस पे बने हुए रहेंगे कि क्या क्या कर रहा है। कल जैसे हमने बोला था ये ड्राइंग अगर आप हटा दो यहाँ से, कल आप यहाँ से देख लो, कल हमने बोला था इस गैप के अंदर कैंडल को आना है। तो आज आप देखो यहाँ से एक अप मूव मिला है, इस गैप तक ये कैंडल आया है, ठीक है। कल का भी हमारा जो नीचे का लिक्विडिटी लिया है, ऊपर क्लोज किया है, इस डायरेक्शन तक ये आया है। कल भी हम लोग को देखना है कि इसको एक्चुअली यहाँ तक आना है, इस गैप के अंदर तक आना है, ठीक है। ये गैप तक इस कैंडल को आना है निफ्टी को। तो जब तक ये यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ से हम लोग को एक रिजेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि यहाँ तक ये किस तरह आता है और यहाँ तक का मूव पकड़ना है, अब का मूव पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये आता है, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगा और ये नीचे जाएगा। वन डे का टाइम फ्रेम ये बोल रहा है, तो हम लोग अब देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे आते हैं, 15 मिनट्स पे आके देखते हैं कि क्या हुआ है। कल जैसा हम लोग ने प्लान किया था बिल्कुल उस तरह ही आज मूव आया है, पर टारगेट्स थोड़े कम हैं, बट मूव बिल्कुल सेम आया है। आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने कल मैनिपुलेशन किया था, यहाँ पे था, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अप के साइड में हुआ है। तो ये कैंडल अप ही जाना है, तो इसको कहाँ तक आना है तो वो हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट पे। एक जगह ये है जहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, टारगेट हमारे ये रहेंगे, टारगेट हमारे ये रहेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट हमारा ये रहेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक या ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक करेंगे। तो 1 मिनट पे जाते हैं, कल अप मूव के लिए देखना है। डाउन मूव ने हमें हमने देखा आपको कल, पर अच्छे से बोला था यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो हमें डाउन मूव के लिए प्लान करना है यहाँ तक। तो एक आज जिस तरह हमने प्रिडिक्ट किया था उस हिसाब से क्या हुआ वो देख लो आप। पहले सबसे पहले हमने कल यहाँ पे प्रिडिक्शन एक किए थे कि ये अगर इस तरह होता है तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा इसके थोड़े ऊपर तक का, और टारगेट आपके, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है। इसको आप हटा लो तो आप देख पाओगे अच्छे से। ये देखो कल का प्लान ये था, ऑलरेडी किया हुआ था जो हमने बताया था, फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ ये अचीव हो चुका है, जबकि इससे ज़्यादा भी दे चुका है। यहाँ पे 60 पॉइंट्स पकड़े थे, इससे ज़्यादा भी दिया है, यहाँ तक दिया है 122 पॉइंट्स। हम लोग यहाँ सेकंड टारगेट यहाँ रखे थे, इसका आधा तक जाके ये हुआ है। तो यहाँ पे मान लो कि आपका फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट आपका हाफ डन हुआ, मतलब डे टारगेट आपका डन हो गया, ठीक है। काफ़ी अच्छा पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए भी मिला। फर्स्ट यहाँ तक था, ट्रेड आपको यहाँ से इनिशिएट हुआ था, इस जगह से, ये वाला जगह से इनिशिएट हुआ था ट्रेड। जैसे इसने ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे टैप किया, ऊपर आपका स्टॉप लॉस, ऊपर आपका स्टॉप लॉस, यहाँ से आपको सीधा नीचे यहाँ तक के टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट आपका और नीचे, यहाँ से आप देखो, ठीक है। ये वाला जैसे हमने प्लान किया था, आप पहले की वीडियो जाके देखो, उसमें आपको दिख जाएगा कि ये प्लान किस तरह से हुआ था। तो एक तो ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। सेकेंड हमने किया था, अगर गैप नीचे से ऊपर का ट्रेड पकड़ा था, एक ट्रेड तो ये हो गया, दूसरा ट्रेड हमने यहाँ से पकड़ा था, अगर यहाँ पे होता है तो ऊपर तक जाएगा। ऊपर तक कहाँ तक, पहला हम लोग ने यहाँ तक रखा था, तो इसने ये हाई बनाया था, ये हाई बनाया था, तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक हमने उस टाइम पे लिया था। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे पॉइंट कैप्चर हुए थे, क्योंकि इसी जगह से रिजेक्शन था इसका, यहाँ से भी हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट कैप्चर किए हैं, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, दो हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि कल के लिए क्या प्लान है। तो इसको पहले हटाते हैं हम लोग, इसको भी हटाते हैं, ठीक। कल के लिए हमारा प्लान रहेगा, ये अपना लास्ट पीवाई टैप कर चुका है, यहाँ से एक अप मूव आया है, तो हम लोग कल प्लान करेंगे अगर किसी कारण से कल अगर यहाँ पे कैंडल फिर से आता है इस जगह पे, इस जगह पे अगर कैंडल आता है, ये कैंडल
आपको मैं दिखा देता हूँ, आप अच्छे से देख लो, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, आप समझ लो इस चीज़ को। कल अप मूव के लिए प्लान करना है और हमारे टारगेट कहाँ तक रहेंगे, यहाँ तक रह सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर लेना है तो यहाँ तक रह सकते हैं, पर रियल टारगेट जो हमारा है वो यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है तो हमें यहाँ तक लेना है। एफ ए जी डेली टाइम फ्रेम का, एफ ए जी को टैप करके ये गिरेगा तो हम लोग का यहाँ तक का टारगेट रहेगा। पर स्मॉल टारगेट लेने जाओ तो ये स्विंग ले लो, ये स्विंग ले लो, ये वाला आप ये जगह ले लो, या इसके ऊपर लेना है तो ये ऑर्डर ब्लॉक ले लो। तो कल हम लोग आपके डायरेक्शन में रहेंगे, यहाँ तक ये जाने वाला है। तो कल अगर किसी कारण से यहाँ पे ये अगर आता है 380 के आसपास, तो यहाँ से हम लोग आपका ट्रेड बनाएंगे और टारगेट्स हम अपने रखेंगे ऊपर तक, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर इस जगह में कहीं टैप करता है यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस और टारगेट आपके यहाँ तक के 214 पॉइंट के। कल अप मूव में बस यही एक बाकी है, यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप ये टच कर चुका है ऑलरेडी। निफ्टी में यही है कि यहाँ पे इसने टच करके रिजेक्शन ले लिया है, तो इसका लास्ट जो POI बाकी है अभी, वो POI आपका ये ही बाकी है, इससे और कुछ बचा हुआ नहीं है। तो हम लोग इस जगह से ही ट्रेड लेंगे, आप देख लो बहुत ही अच्छे से। ये जगह जो है, ये FHG को अगर ये टैप करने ये कैंडल आता है यहाँ से लिक्विडिटी लेके, तो हम लोग फिर अप के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। ये अगर टैप अगर यहाँ पे करता है तो यहाँ से हमें एक अप मूव मिलेगा और हम लोग उस अप मूव को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। उस अप मूव को हम लोग फॉलो करते रहेंगे, कहाँ तक, फर्स्ट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, पर इसको जाना अभी जो मेन जगह है वो यहाँ तक है, इस पॉइंट तक इसको जाना ही जाना है। उसके बाद यहाँ से वो रिजेक्शन अगर लेता है तब आपके डाउन के टारगेट होंगे। तो कल हम लोग जो प्लान करेंगे वो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, कहाँ तक प्लान करेंगे वो आपको मैंने बता दिया। आप लेवल देख लो अच्छे से, ठीक है, आप लेवल अच्छे से देख लो। हम लोग कल कहाँ तक प्लान करेंगे, यहाँ से इस जगह से कल एक ही पॉइंट है हम लोग का ख़रीदने का। अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो जाती है और इस जगह में कहीं पे ओपनिंग अगर होती है, इस जगह में कहीं ओपनिंग होती है तो ये इस जगह को टैप करेगा, टैप करने के बाद यहाँ तक आएगा, यहाँ से अप मूव ले लेगा, या तो यहाँ से भी अप मूव ले सकता है ये ऊपर, ठीक है। पर अगर मेन अपना रहेगा तो ये जगह ही रहेगा, ये जगह काफ़ी अच्छे से देख लो आप, ये जगह अच्छे से देख लो, यहाँ से एक अप मूव आएगा। 24,400 से ऊपर हमें लेना है, कहाँ तक लेना है, फर्स्ट टारगेट 500, सेकंड टारगेट आपका 600, 600 तक आपको लेना है ये टारगेट, ठीक है। ये हो गया आपको निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या किया है इसने। वन डे पे चलते हैं, वन डे पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। वन डे पे जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे देखने को हमें क्या मिलता है, वन डे पे जब हम पहुँचते हैं यहाँ पे देखने को हमें क्या मिलता है। हाँ, इसने अपना FEG जो था इसको टैप कर चुका है ये, तो यहाँ से हो सकता है हमें रिजेक्शन मिल जाए, रिजेक्ट ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। तो कल ऐसा भी हो सकता है कि अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कल हो सकता है कि यहाँ से नीचे चला जाए ये, या इसकी लिक्विडिटी को ये यहाँ से ले ले। कल लिक्विडिटी सूप होगा उसके बाद मार्केट गिरेगा, ऐसा लग रहा है, कल लग रहा है लिक्विडिटी सूप होगा उसके बाद मार्केट गिरेगा। लिक्विडिटी सूप कैसा, कैंडल कहीं पे खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, कहीं पे भी खुले, यहाँ पे जाके इसकी लिक्विडिटी को ये ले ले, यहाँ पे एक वीक बनाए और वहाँ से डाउनफॉल, ठीक है। कल ऐसा हो सकता है कि इसके लिक्विडिटी को यहाँ पे लिया जाए इस कैंडल के, ठीक है। हम लोग मार्क कर देते हैं ये कैंडल कहाँ पे है, ये कैंडल का कलर चेंज कर देते हैं, ये इसका येलो कर देते हैं इसको, हाँ यहाँ तक है, येलो दिख नहीं रहा है तो हम लोग इसको रेड कर देते हैं और हम लोग चल जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कल दो चीज़ हो सकता है इसके हिसाब से, ऐसा अगर दिख रहा है तो। यहाँ पे एक गैप इसने फिर से बनाया है यहाँ पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल कल ऊपर खुलने के बाद ये नीचे यहाँ तक आए, कल ऊपर अगर यहाँ पे ये खुल जाए तो ये नीचे इस गैप तक आए,
इस गैप का टारगेट डन करे, इस गैप का टारगेट ये डन करे, कल ऐसा भी हो सकता है मार्केट में, ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई, एक कैंडल यहाँ बना और यहाँ से सीधा ये नीचे आ जाए, ठीक है, यहाँ तक इसके रहेंगे आने के चांसेस। तो देखते हैं कल क्या होता है, यहाँ से अगर रिजेक्शन ऐसे मिला या यहाँ कहीं खुला और यहाँ से नीचे आ गया, ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो इस पर हम लोग बाइंग के लिए देखते हैं, बाइंग से कहाँ से हमें डाउनफॉल यहाँ से मिलता है, ये दोनों हम लोग चेक करते हैं इस पर। यहाँ पे 15 मिनट्स पे जाते हैं और फिर देखते हैं निफ्टी का। उतना आज कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, गैप है, इस जगह से टैप करके मार्केट अभी कल जहाँ पे भी खुले, आपके पास ये जगह है फिर से इसको बाय करने के लिए। एक तो ये गैप था, यहाँ से ले लिया, कल हो सकता है यहाँ से ही ऊपर चले जाए, ऊपर जाने के बाद ये वाला जगह आपको टैप करे और यहाँ से मार्केट नीचे चले जाए। कल हो सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग हुई, यहाँ से ये ऊपर गया, डायरेक्ट इसको टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ से सीधा नीचे, ठीक है। तो कल हम लोग यहाँ तक कम से कम इसको लेके रखेंगे सेलिंग के, बाइंग के लिए तो अभी नहीं देखेंगे हम लोग इसको, यहाँ से सेलिंग के लिए हम लोग देख सकते हैं, सेलिंग के लिए हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ से, बिल्कुल इस जगह से इसका सेलिंग का ट्रेड हम लोग देखते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कितना है इसका, एक मिनट, यहाँ तक का, इसके ऊपर तक का स्टॉप लॉस मान लो आप, यहाँ तक का, यहाँ तक का, कहीं तक का स्टॉप लॉस, यहाँ तक का स्टॉप लॉस पकड़ लो आप, ये मान के चलो कि 800 से 900 के बीच में रिवर्सल आएगा और वो देखना पड़ता है किस तरह आएगा। और टारगेट आपके फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा, काफ़ी अच्छे टारगेट रहेंगे, 600 पॉइंट के टारगेट। कल अगर इस तरह इसने बिहेव किया तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। और बाइंग के लिए अगर देखो आप यहाँ से, तो बाइंग का तो एक ही जगह यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, जो बहुत ही अच्छे से मेरे को समझ में आ रहा है। बाइंग के लिए यहाँ पे ऑलरेडी ये टैप कर चुका है, यहाँ पे हल्का सा एक गैप बचा हुआ है, अगर इस गैप के बीच में आता है ये, इस गैप के हल्के से गैप के बीच में ये आता है तो हम लोग बाइंग के लिए ये जगह पे, ये गैप के बीच में अगर ये कैंडल आता है, यहाँ से अगर डाउनफॉल होता है, यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा, तो वहाँ अप मूव कहाँ तक आपने देखा ही, अप मूव हम लोग यहाँ तक प्लान करेंगे, इस जगह तक, और यहाँ से फिर डाउन का, ठीक है। कल आपके पास एक जगह कौन सा है, एक जगह आपके पास ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ये आपका ये कैंडल लो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ तक के आपके टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट 300 पॉइंट्स, अगर अप में जाता है तो यहाँ तक के आपके टारगेट रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, अपना डिसीजन बताइए क्या हो रहा है इसके अंदर, आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, आपको ये बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर जाके आप कनेक्ट करें, उस पर भी और अपडेट आते रहेंगे, बहुत ही अच्छा। फिर मिलते हैं हम लोग इसके बारे में कल या परसों, ठीक है, कल फिर एक वीडियो के साथ हम लोग आएंगे, कल तो फ्राइडे लास्ट रहेगा, उसके बाद हम लोग फिर से एनालाइज करते हैं क्या होता है इसके अंदर।